नमस्कार दोस्तों, एंजल्स स्टूडियो एंड फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने DSLR का एक पहला ट्यूटोरियल आपके सामने लेके आया, जो कि बहुत बेसिक और बहुत ही समझने में आसान होगा। जिसको आप एक इस वीडियो को पूरी देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर अच्छी फ़ोटो लेनी है तो हमें किन तीन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज में जो ये त्रिभुजाकार आकार जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल। एक्सपोजर ट्रायंगल एक फोटोग्राफी का एक बेसिक चीज़ होती है, बेसिक रूल कहो इसको, बेसिक सिद्धांत होती है। एक्सपोजर ट्रायंगल आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे कि इस त्रिभुज के अंदर हमने तीन चीज़ें दर्शाई हुई हैं, जिसमें एक तरफ अपर्चर, दूसरी तरफ ISO और एक तरफ शटर स्पीड लिखी हुई है, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल, जिसमें ये तीनों चीज़ें सही बैलेंस में एक अच्छी फ़ोटो हमें देती है। किसी भी फोटोग्राफी के लिए हमें एक्सपोजर ट्रायंगल समझना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले अपर्चर, ISO और शटर स्पीड, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। जिस तरीके से किसी भी किताब को पढ़ने के लिए हमें ABCD या क ख ग घ याद होना जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं अपर्चर। वैसे अपर्चर जो फीचर्स होता है वो कैमरे का फीचर नहीं होता, वो लेंस का फीचर होता है, लेकिन ये सब चीज़ मिलके एक परफेक्ट कैमरा बनता है। अपर्चर का मतलब होता है एक छेद। लेंस का जो छेद है वो जितना ज़्यादा खुला रहता है, लाइट उतनी ज़्यादा सेंसर पर जाती है, और अपर्चर का छेद जितना ज़्यादा छोटा होता है तो लाइट कैमरे के सेंसर पर उतनी ही कम जाती है। तो इसी लाइट की मात्रा के कारण ही हमें फ़ोटो ओवर एक्सपोज या अंडर एक्सपोज मिलता है। ओवर एक्सपोज का मतलब होता है फ़ोटो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद होती है, और अंडर एक्सपोज का मतलब होता है फ़ोटो अंधेरी होती है, अंधेरा ज़्यादा आता है, रोशनी कम आती है। तो यही वो कारण होता है कि अपर्चर कम ज़्यादा की वजह से हमें फ़ोटो ओवर या अंडर एक्सपोज मिलने की संभावना रहती है। अब सवाल उठता है कि सही अपर्चर क्या है। तो सही अपर्चर का ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि सही अपर्चर यही है। सही अपर्चर ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप जहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं वहाँ के कंडीशन कैसी है, वहाँ लाइट के कंडीशंस कैसी है। अगर आप रात में फ़ोटो खींच रहे हैं तो आपको अपर्चर बड़ा करना ही पड़ेगा, और अगर आप दिन में या तेज़ रोशनी में फोटो खींच रहे हैं तो आपको अपर्चर को छोटा करना पड़ेगा। इस अपर्चर को F नंबर से काउंट करते हैं। इस अपर्चर और लाइट का एक उल्टा रिश्ता होता है, अर्थात F नंबर जितना छोटा होगा अपर्चर उतना ही बड़ा होगा, प्रकाश के जाने का रास्ता उतना ही बड़ा होगा, और अपर्चर जितना बड़ा होता है उतनी ही रोशनी उसमें ज़्यादा जाती है, और F नंबर जितना छोटा होता है अपर्चर उतना ही बड़ा होता है, और F नंबर जितना बड़ा होता है अपर्चर उतना ही छोटा होता है। कहने का मतलब अपर्चर अगर छोटा होगा तो कम रोशनी जाएगी, और अपर्चर बड़ा होगा तो ज़्यादा रोशनी। ये तो फाइनली आपको अपर्चर के बारे में समझ में आ गया होगा। अपर्चर एक रास्ता है जिसके थ्रू लाइट सेंसर पर जाती है, वो ज़्यादा जाती है या कम जाती है उसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब आगे समझते हैं शटर स्पीड। शटर स्पीड एक्सपोजर ट्रायंगल का एक दूसरा पहलू होता है, दूसरा स्तंभ होता है। शटर स्पीड हमारे कैमरे का एक शटर एक तरह खिड़की की तरह होता है, जिसके खुलने से लाइट कैमरे के सेंसर तक आती है और फिल्म कैमरे में उसकी फिल्म तक पहुँचती है। तस्वीर लेने के लिए कैमरे को सब्जेक्ट पर फोकस करने के बाद जो ही हम शटर बटन दबाते हैं तो एक क्लिक की आवाज़ होती है,
यह इसी शटर के खुलकर बंद होने की आवाज़ है। शटर के खुलकर बंद होने का समय शटर स्पीड कहलाता है। जरूरत के हिसाब से हम इसे कम या ज़्यादा सेट कर सकते हैं और कैमरे में ये एस के नाम से इंगित होता है। उदाहरण से हम समझें तो अगर आपकी शटर स्पीड अगर 1/100 है तो इसको इस तरह से समझना चाहिए कि हमारे शटर जो है 1 सेकंड के 100वें हिस्से के तक खुला रहेगा और फिर बंद हो जाएगा। अगर शटर स्पीड हमारी 1/250 है तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि हमारा शटर 1 सेकंड के 250वें हिस्से में खुलकर बंद हो जाता है। का मतलब शटर स्पीड में जितनी कम 1/कम वैल्यू होगी शटर स्पीड हमारा इतने धीरे खुल के बंद होगा, और जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही हमारा शटर बहुत जल्दी खुलेगा बंद होगा। और इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा शटर जितनी कम टाइम के लिए खुलेगा तो हमें लाइट कम मिलेगी, और शटर हमारा ज़्यादा टाइम के लिए खुलेगा तो हमें लाइट ज़्यादा मिलेगी। यही हमारे फोटो को एक्सपोज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हमारे शटर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो हम किसी भागती हुई चीज़ या चलती हुई चीज़ की फ़ोटो बहुत अच्छी तरीके से खींच करके ले सकते हैं। लेकिन अगर वही हमारे शटर स्पीड अगर कम है तो हम उस फोटो में ब्लर मिलेगा, हमें वो फ़ोटो हमें धुंधली नज़र आएगी या उसमें ब्लर मिलेगा। ऐसी फ़ोटो के लिए हमें ट्राइपॉड का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि कैमरा हिले नहीं। कैमरा अगर लंबे टाइम के लिए शटर खुला रहता है और कमरा ज़रा सा भी हिलता है तो हमारी फ़ोटो ख़राब हो सकती है या हमें उसमें ब्लर होने की संभावना बढ़ जाती है। और अंत में हम समझते हैं ISO। ISO एक्सपोजर ट्रायंगल का एक तीसरा स्तंभ है। इसमें इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिल्म रोल, जिसे हम आम भाषा में नेगेटिव कहते हैं, वो पुराने कैमरे में होता था और आजकल के कैमरे डिजिटल है तो उनके फिल्म रोल की जगह एक सेंसर काम करता है। हमारे कैमरे में जो काम फिल्म करती थी वो आज डिजिटल कैमरे का सेंसर काम करता है। सेंसर कैमरे के अंदर उसके सबसे पिछले हिस्से में होता है और लेंस से होकर कैमरे के अंदर आने वाली लाइट सेंसर पर पहुँचती है। कैमरे में ISO उसके सेंसर की प्रकाश की संवेदनशीलता यानी लाइट सेंसिटिविटी को दर्शाता है। ISO अगर कम होगा तो लाइट के प्रति हमारा सेंसर कम सेंसिटिव होगा, और ISO जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो हमारा सेंसर लाइट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा। कहने का मतलब अगर ISO कम होता है तो हमें कम रोशनी मिलेगी, और ISO बढ़ता है तो हमें बहुत ज़्यादा रोशनी मिलेगी। तो ये सब ISO, शटर स्पीड और अपर्चर, तीनों का काम एक ही है, कैमरे में लाइट को कम या ज़्यादा करना। लेकिन ये इन तीनों के काम करने का तरीका अलग अलग होता है, इन तीनों के सिद्धांत अलग होते हैं, इन तीनों के तरीके या कंट्रोल करने का तरीका अलग होता है। और जब भी हम कैमरे में इन तीनों पैरामीटर्स को सेट करते हैं तो ISO को सबसे लास्ट में सेट किया जाता है, लास्ट में उसकी सेटिंग करते हैं, क्योंकि एक्सपोजर और शटर स्पीड इन तीनों को बैलेंस करके हम जैसे लास्ट में ISO सेट करते हैं। ISO अगर हमारे पास लाइट कम भी है और हम ISO बढ़ाएंगे तो आर्टिफिशियल लाइट जनरेट करेगा, और जितना हम ISO बढ़ाएंगे उतने हमारे फोटो में ग्रेन्स आने की संभावना रहती है, जैसे दाने दाने से जो आते हैं जो वो फोटो में आने की संभावना है। और फोटो अगर में अगर दाने आते तो वो फोटो अच्छी नहीं मानी जाती। फोटो अगर हो अच्छी वेल एक्सपोज हो और वो भी बिल्कुल स्मूथ फोटो, शार्प फोटो हो, तभी उस फोटो को अच्छी फोटो माना जाता है। तो इसमें संक्षेप में बेसिक समझने की चीज़ एक लाइन में समझने की बात बोले तो हमें अगर कम शटर स्पीड करेंगे तो हमें ज़्यादा लाइट मिलेगी, ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। दूसरा पॉइंट, अगर बड़ा अपर्चर रखते हैं तो हमें छोटा एफ नंबर लेना है। छोटा एफ नंबर मतलब बड़ा अपर्चर, वो हमें ज़्यादा लाइट देगा। और तीसरा और अंतिम ISO, ISO जितना बढ़ेगा ज़्यादा लाइट मिलेगी, और ISO जितना कम होगा कम लाइट मिलेगी। ज़्यादा ISO ज़्यादा एक्सपोजर। आशा करता हूँ दोस्तों ये तीनों फैक्टर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें कुछ भी अगर कोई कमी रह गई या कुछ अगर सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं।
आगे से अगली वीडियो में हम इन तीनों के एक्सपोजर ट्रायंगल के बैलेंस के बारे में बात करेंगे। अभी इनको समझना ज़्यादा ज़रूरी था, इनको समझिए। थोड़ा सा कैमरा, खाली टाइम में कैमरा लीजिए हाथ में, उसके आप पैरामीटर्स को कम ज़्यादा करके खुद एक्सपीरियंस कीजिए, अगर उसमें अपने को क्या रिजल्ट मिलता है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो जल्दी ही लाएंगे, कैमरे के अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बताएंगे, जो कैमरे के जो बेसिक रूल्स है, फोटोग्राफी के रूल्स है, उसके बारे में भी हम बाद में एक नई सीरीज चालू करेंगे। सबसे पहले लेकिन इन कैमरे के मेन सेटिंग्स और उसके सिद्धांत को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से और भी वीडियोस की जानकारी के लिए, और भी वीडियोस, नए नए वीडियो जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।